सर मॉर्निंग, जिस प्रकार के क्यूज दिख रहे हैं एंड गिवन द फैक्ट कि आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, कैसे तैयारी करें सर आज के ट्रेडिंग सेशन की? निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत मिले जुले हैं, अमेरिकी बाजारों से कोई खास बड़ी तेजी या मंदी के संकेत है नहीं, और भारतीय बाजार भी वैसे छोटे हफ्ते में अपने संकेतों के दम पर ही ट्रेड कर रहे हैं। कल के सेशन में अच्छी बात यह कि एफआईआई की तरफ से ब्लॉक डील के बावजूद खरीदारी के आंकड़े ठीक दिखे, तो लगातार तीसरा सेशन ऐसा है जब एफआईआई की तरफ से वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में मिलाकर थोड़ी खरीदारी ठीक होती दिख रही है, और इसी के चलते लोअर लेवल पे आपको सपोर्ट भी आता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि शुरुआत के बाद एक बार बाजार को सेटल होने दें, अगर पहले नीचे की तरफ आते हैं सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने का आपके लिए मौका बनेगा। और खरीदने के लिए जो बढ़िया रेंज है वो है 21,825 से लेकर 21,925, ये बढ़िया रेंज है। इस रेंज में आए तो दो टुकड़ों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 22,075, 22,175 ये रुकावट की जगह है, और यहाँ पर दो टुकड़ों में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और थोड़ा ऊपर की तरफ 22,150 175 की रेंज मिले तो वहाँ पर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट पोजिशन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दिग्गजों में अभी भी बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। कल भी आपने देखा कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट में मजबूती रही, लेकिन इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े ठंडे थे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 46,050 46,250 ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन है। 200 पॉइंट की इस रेंज में इन दोनों ही लेवल पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी आप कर सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 46,775 से 46,975 की रेंज सप्लाई जोन है, तो आप बेटर ये कि 46,875 46,975 ये दो लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करें। फ्रेश बड़ी तेजी 47,000 के ऊपर टिकने पर बनेगी, और फ्रेश बड़ी कमजोरी 46,000 के नीचे निकलने पर बनेगी, जो दोनों ही फिलहाल आज तो होते हुए दिखता नहीं है। जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, हमारा व्यू पिछले हफ्ते से क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ रखी, और कल भी आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी थी। कल साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, एनएवी बढ़ाने की याद से फंड की तरफ से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी जारी रहेगी, वहाँ अब भी आज भी आपके लिए अच्छे मौके होंगे, वहाँ पर फोकस बाय ऑन डिप्स का रखें। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर, एंड ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स में क्या एंटिसिपेटेड है ये भी बताने के लिए।